तो बिशोर हाँ सुनो मैंने अभी एक लेक्चर चालू किया है करंट अफेयर्स का लेकिन इसमें ना यूट्यूब में बच्चों के चैट नहीं दिख रहे हैं नहीं तो कुछ तो शायद सेटिंग चेंज किए मेरे को लग रहा है आज ऊपर अब्बर सर ले रहे थे तब भी नहीं दिख रहे थे तो जो राइट साइड में अपने को दो ऑप्शन आते हैं एक होता है टॉप चैट और एक लाइट चैट ऐसा कुछ तो आता है तो वहाँ पर सिर्फ टॉप चैट है और वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसको एक बार चेक करवाना उसको देख अभी तो मैं मोबाइल में देख रहा हूं बट उसको एक बार चेक कराना क्या है तो देख मैं यहां पर जी वेरी गुड इवनिंग कैसे भी आप लोग मस्त बहुत ही बढ़िया मजे सब आसपास के कॉलेज में है क्या आप लोग नहीं दूर से कौन आता है आप दूर से आते हो कहाँ से कोंडवा से आते हो अच्छा और आप सब लोग पास पास दूर से इतना भी पास नहीं लेकिन इतना दूर भी नहीं है ना ओके हाँ जी भाई वेरी गुड इवनिंग यस सान्या है ना कनिष्का रूपाली सुरभी दिव्यानि पूर्वी तो जो भी अपने घर घर से देख रहे हैं या किसी और के घर से देख रहे हैं तो आपके ना मुझे ना आपके चैट्स नहीं दिख रहे आज पता नहीं क्यों ना सिस्टम में नहीं नहीं दिख रहे थे ना किसी को नहीं दिख रहे ना कुछ तो चैट्स में न, पता नहीं यार उन्होंने क्या चेंज किया है बट कुछ तो किया है तो ठीक है अभी के लिए मैं मोबाइल में देखता हूँ क्या क्या यूट्यूब का अपडेट है नहीं नहीं कुछ तो मेरे को लग रहा है इन्होंने सेटिंग में चेंज किया है बैकग्राउंड से ऊपर भी नहीं दिख रहा था हाँ वही तो पता नहीं मुझे कि नोटिफिकेशन आया था कि कुछ तो सेटिंग चेंज कर रहे हैं पता नहीं बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है है ना तो आपका जो मैं चैट जो है अभी के लिए जो है फ़ोन पर देख लेता हूँ है ना यहाँ पर दिख रहे हैं सबके नाम है ना साइमा सान्या आचल सॉफ्टी अग्रवाल सही में नाम है ऐसे ही रखा है है ना भक्ति मदान है ना सी एस सी टी में एकदम क्या नए नए लोग नाम लेके आते हैं एक अपनी स्टूडेंट थी इसका नाम था रसगुल्ली तो ये सी एस सी टी में हाँ सच्ची होता है ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के दिख रही है सच में एक स्टूडेंट का नाम था रसगुल्ली <laughs> तो है ना फिर क्या सी एस में बहुत नया नया लगता है अपने को फिर जो है वो हम यूज हो जाते हैं हाँ सच्ची भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ चलो देखो तो यहाँ पर हमने जो है अपना चैप्टर वन स्टार्ट किया था कुछ कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी एक बार हम क्विकली इसको रिकॉल कर लेते और फिर हम आगे। चले आगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देख रहे थे आपके इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स सबसे पहले आपको दिया गया था यहाँ पर आई के बारे में दैट इज योर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड करेक्ट है तो आई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया था कि आई में टोटल कितनी कंट्रीज आईएमएफ में टोटल कितनी कंट्रीज मेंबर बन के बैठी हैं 190 कंट्रीज तो 190 कंट्रीज हैं पहले 189 हुआ करता था देन आईएमएफ आपका बना कब था ठीक है 1944 में देन यहां पर फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितनी थी तो 44 तो उससे एकदम मैच कर रहा है आपका जो यहां पर बना था 1944 में बना था एंड एकदम जो स्टार्टिंग में आपकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी वो भी आपकी 44 थी अब यहां पर आपको बोल के कर करेगा कि, कि कितने नेशंस के लोग यहां पर स्टाफ बन के बैठे हैं तो 150 150 नेशन के जो लोग हैं यहाँ पर जो स्टाफ बन के बैठे हैं ना सेजल सावे से न्यू स्टूडेंट अच्छा है देखिए दे नेक्स्ट आपके क्या बोला गया कि हम यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम जो है वो संभालते हैं एंड तीन तरीके संभालते हैं एक तो हम ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं ठीक है एक तो हम ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं दूसरा अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है है ना वो अपन कंट्रीज को हेल्प करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए एंड थर्ड वाला आपका हम मेंबर्स को प्रैक्टिकल हेल्प देते हैं प्रेक्षा जी है ना आवाज़ आ रही है आपकी है ना चले तो यहाँ पर क्या आपकी ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करेंगे देन बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसका भी रहेगा उसको अपन हेल्प करते हैं एंड लास्ट वाला है ना प्रैक्टिकल हेल्प अपने मेम्बर्स को देंगे ओके ये बोल रही है कि रियल में निकले में अच्छा सॉफ्टवेयर अग्रवाल वहाँ है ना देन नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर आई का सर्वेलेंस आपको दिया गया तो इसमें चिल्ले चिल्ले चीज थी देन फास्ट फैक्ट्स अपने काम का था तो मेंबर्स 190 नाइनटी ये तो अपने को पता है हेड क्वार्टर्स आपका वाशिंगटन डीसी में है एंड इनके टोटल जो नंबर ऑफ आपके डायरेक्टर्स हैं वो है ट्वेंटी फोर देन यहाँ पर कितना पैसा ही बांट सकते हैं तो वन ट्रिलियन डॉलर ही बांट सकते हैं एंड यहां पर कितने लोगों ने पेंडेमिक में फाइनेंसिंग ली थी कितने कंट्रीज ने तो सेवेंटी सिक्स कंट्रीज ओके हुँ. देन नेक्स्ट आप यहाँ पर दिया गया दी प्राइमरी एम्स वगैरह वगैरह देन यहां पर जो नया वाला एफ डी एम डी था एफ डी एम डी बोले तो मैं फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर तो फर्स्ट यहाँ पर जो नया नया एफ डी एम डी बना था उनका नाम है आपका गीता गोपीनाथ तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ देन यहां पर आपको इंडिया टक लांस इंडिया के बारे में बताया गया था कि भाई ये रियल जीडीपी परसेंटेज चेंज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो नाइन परसेंट का इंडिया इनका मेंबर बना था नाइनटीन फोर्टी फाइव में ये बना कब था एम एफ में बना था एंड नाइनटीन में हम जो इसके मेंबर बन गए थे देन हमारी जो लेटेस्ट वाली रिपोर्ट आई थी वो अक्टूबर दो की आई हुई थी देन अपने पास ड्राइंग राइट्स वगैरह वगैरह दिए गए थे एंड हमने कितने अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए हैं है ना यस तो हमने यहाँ पर किए हैं सेवन अभिषेक कुमार सी का एग्जाम आप नवंबर में भी दे सकते हो फिर जनवरी में भी दे सकते हो डिसंबर में एग्जाम नहीं होता है ठीक है लेकिन वहाँ तक वेट क्यों करना है चलिए द नेक्स्ट आपके यहां पर दिया गया था एसियान तो एशियान में हमने ये नाम याद किए थे दस कंट्रीज़ के ठीक है तो एशियान वाले क्या कर रहे थे सबसे पहले हम दारू पी रहे थे तो दारू पीते पीते मतलब वो दारूसलेम था लेकिन दारू पीते पीते वो जो है क्या कर रहे थे है ना हमने पहले तो नाम पूछा उनका दारू का नाम पूछा तो वियतनाम ठीक है फिर वो खाना खा रहे थे कौन सा तो थाई है ना थाईलैंड तो थाई फूड खा रहे थे फिर वो गाना भी गा रहे थे तो सिंगापुर तो गाना गाते गाते फिर वो गए बल्ब लगाने तो वो गया आपका फिलीपींस फिर हमने उनको जाके मारा तो म्यांमार लेकिन फिर उसको मालिश भी करनी पड़ी तो मलेशिया फिर हमने बोला था है ना लाओ इन दोनों को इधर कम्बोडिया तो लाओ पी डी था ठीक है इन दोनों में तो आपका इंडोनेशिया एंड आपका लास्ट वाला कम्बोडिया परफेक्ट है तो ये सारे के सारे दस नाम आपके आगे इसमें एशियान में क्लियर डन उसके अलावा यहाँ पर आपको बोला कि भाई जो ये जो एशियन डिक्लेरेशन हुआ था ये बैंकॉक में हुआ था 1967 में है ना एट्थ अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुआ था एंड फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी थी तो ये तीन तो एक साथ से आपका बल वाला है ना देन गाने वाला एंड आपका थाई वाला करेक्ट तो यहाँ पर जो है ये थाई फूड कर रहा था गाना कर रहा था एंड बल्ब वगैरह था ये तीन तो आ ही गए थे उसके अलावा है ना यस उसके अलावा एक आपका इंडोनेशिया एंड दूसरा आपका मलेशिया ठीक है तो एक आपका इंडोनेशिया और एक आपका मलेशिया कितना परफेक्ट है क्लियर है है ना ओके यस विनय पार्टीदार मोस्ट वेलकम चलो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है कि ये जो एसियान है इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं इनका आपको नाम याद रखना है तो ये जो दारू वाले के जो जनरल है ना इनका नाम है है ना डार्टो लिम जॉक होए तो ये दारू वारू पीने पर आपको डांटते हैं क्योंकि बहुत जगह पर आपको इस सेक्रेटरी का नाम याद रखना पड़ेगा तो यहां पर ये दानु दारू पीने पर डांटते हैं तो इनका नाम था डाटो लिम जॉक होलियर है देन आपके यहां पर दिया गया था आपके यहां पर दिया गया था एम्स एंड पर्पज तो ये तो चिल्लर वही मुद्दा है है ना इसमें जनरल पॉइंट से देन एशियान चार्टर भी वही था इसमें कुछ नया नहीं था देन हमने देखा था कि एशियान समिट जो पहली पहली बार हुआ था ठीक है ये हुआ था बाली में इंडोनेशिया में 1976 में तो पहला पहला वो था आपका बाली में इंडोनेशिया में 1976 में देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यूएस गवर्नमेंट ने जो यहां पर वाशिंगटन में जो है जो लेटेस्ट वाला समिट होने वाला था इनको होस्ट कौन करने वाला था तो जो बाइडन करेक्ट यूएस के जो प्रेसिडेंट है ये इसको होस्ट करने वाले थे देन अट्ठाईस उनतीस मार्च को यहाँ पर जो इन्होंने ना फिक्स रखा था देन एट्टीथ समिट जो इनका हुआ था वो एटीन अक्टूबर को ही हुआ था तो एटीनथ वाला इंडियन एशियन समिट एटीन अक्टूबर दो को ही हुआ था एंड कहाँ पर बैंकॉक में एंड यहाँ पर जो इनका ओरिजिनल वाला डिक्लेरेशन साइन हुआ था वो भी बैंकॉक में हुआ था करेक्ट परफेक्ट देन है ना चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है ना देखिएगा नेक्स्ट अभिषेक कुमार कह रहा है कि जुलाई में पेपर है और उसको लग रहा है कि उसका हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए हो जाता है दो से तीन बार हो जाता है चिंता मत करो सी एस सी टी का जो आपका सिलेबस है ना दो से तीन बार कंप्लीट हो जाएगा आप लाइव लेक्चर्स करोगे ना तो आपका हो जाएगा है ना खुद से हो सकता है बच्चे ना पढ़ते हो लेकिन आप जाके बैठोगे तो है ना हो जाएगा चिंता मत करो ठीक है जुलाई में दो तीन प्लेलिस्ट में कहाँ है आ, रिया गुप्ता में चेक करवाता हूं ओके करेक्ट है है ना चलिए आते हैं नेहा कुमारी नेहा कुमारी जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं चले अब नेक्स्ट आप देखिए आपको दिया गया ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन कौन था ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड आपका साउथ अफ्रीका तो ये पांचों लोग मिलाकर है ना कुछ पांचों लोग मिलाकर एक ग्रुप इन्होंने बनाया जिनका नाम है ब्रिक्स तो जहां पर भी रशिया होता है तो रशिया के प्रेसिडेंट है विलादिमिर पुतिन तो जहां पर भी होता है भैया पुतिन साहब आगे आते हैं तो इन्होंने ही दो में इसका फॉर्मेशन करवाया था फिर इनको दो में हमने बुलाया था गोवा में है ना दो में हमने इनको बुलाया था गोवा में एंड है ना अभी इंडिया ने तीसरी बार इसका समिट रखा था तो 2012, 2016 एंड अभी एक लेटेस्ट वाला भी आई थिंक 2021 में हुआ था है ना दो हज़ार एंड 2021 अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी ये नया नया एडिशन था कि वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है ब्रिक्स में कितनी है फोर्टी वन परसेंट है ना पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से फोर्टी वन परसेंट ऑफ दी वन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आती है वो इन पांच जगह पर आती है ठीक है देन नेक्स्ट वर्ल्ड का जी जितना भी है उसका यहाँ पर ट्वेंटी आता है देन यहाँ पर वर्ल्ड का जो आपका ट्रेड है उनका सिक्सटी परसेंट इनके पास आता है तो फोर्टी वन ट्वेंटी फोर एंड सिक्सटीन तो आपके पास यहाँ पर तीन परसेंटेज है फोर्टी वन ट्वेंटी फोर एंड सिक्सटीन तो है नहीं यस अभिषेक कुमार वेरी गुड तो यहां पर मुद्दा यह है कि ये जो चिल्ले चिल्ले चीजें ना ये आपने पहले लिख ली थी ना फोर्टी वन ट्वेंटी तो आपके एमसी क्यूज में ऐसी ही सब चीजें पूछता है जनरल जनरल पॉइंट्स नहीं पूछता है जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपके यहां पर दिया गया कि श्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था अपनी स्पीच में तो ये सब नहीं पूछता है आपको जो ज्यादा फोकस करते हैं वो डेटा पर नाम पर इन सब पर ज्यादा आपका जो है फोकस होता है क्लियर है डन है देखिये अब नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया ब्रिक्स इन न्यूज तो यहां पर ब्रिक्स का जो है थर्टींथ वाला समिट हुआ था समिट बोले तो मीटिंग हुई थी तो तेरह वाली है ना थर्टीन समिट हुई थी लेकिन इनका फिफ्टींथ एनिवर्सरी था करेक्ट ब्रिक्स का जो यहां पर है फिफ्टींथ एनिवर्सरी था क्योंकि ये बना कब था 2006 में करेक्ट चलिए तो यहां पर आपका जो अभी थर्टींथ वाली मीटिंग हुई थी इसमें इनका थीम था इंडियन इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंस तो इनका जो थीम था वो था इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड आपका कॉन्सेंस ठीक है डन देन नेक्स्ट आपको यहां पर बोला गया है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहां पर क्या बोला था कि हमारा मोटो रहेगा बिल्ड बैक रिसलिएटली इनोवेटिवली क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली तो बेसिकली द थिंग इज कि इसमें से आपको एक दो नाम भी अगर याद रहेगा ना तो एकदम हटके वाले नाम याद रखना ठीक है जैसे रिसलेंटली अपने को वर्ड जनरली नहीं आता है ठीक है और बाकी है ना क्रेडिबली तो ये दो नाम याद रखे तो अगर एम सी आए तो आप टिक कर पाओगे परफेक्ट देन नेक्स्ट आपको यहां पर बताया गया सार्क के बारे में तो सार्क में अपना ये जो है है ना नेहा कुमारी बोल रही है ब्रिक्स का मीन नेहा मुझे बताओ कि नेहा का मतलब क्या है ना तो ब्रिक्स का कोई मीनिंग नहीं है पांच कंट्रीज का पहला पहला लेटर उठा के उन्होंने जो है नाम रखा है ब्रिक्स एंड और ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है कि आपस में जो कॉपरेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह वगैरह करेंगे क्लियर है चलिए तो यहां पर नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है ना सार्क तो सार्क में हमने सार्क बनाई थी एक और हमने शार्क बनाई थी तो इस शार्क को अपन ढक रहे थे डिसंबर में तो इसके लिए जो साइन हुआ था वो चार्टर साइन हुआ था है ना नाइनटीन एटी फाइव में और ये हुआ था ढाका में करेक्ट तो सार्क में सब अपने अपने वाले लोग थे यहाँ पर सार्क में जो है है सार्क में जो है सब अपने अपने वाले लोग थे कौन कौन तो चार तो अपने लोग इंडिया था है ना पाकिस्तान को हमने बनाया बांग्लादेश हमने बनाया और आपका है ना श्रीलंका जो हम जला के आए थे तो चार तो ये हो गए बाकी नेपाल का माल एंड अफगानी भुट्टा है ना यही आठ थे ना नेपाल का माल देन आपका अफगानी भुट्टा करेक्ट तो नेपाल देन मालदीव्स देन अफगानिस्तान एंड आपका भूटान क्लियर परफेक्ट है तो ये आपका हो गया सार्क में तो ये आपके आठ नाम थे तो ये अपने याद किया था ठीक है देन इसका जो सेक्रेटेरिएट बना था वो बना था काठमांडू में मतलब इनका जो हेड ऑफिस काइंड ऑफ बना था वो बना था आपका कहां पर तो काठमांडू में तो ये भी नाम आपके याद है सारे पक्का ना है ना इसके पहले आपने दस नाम कौन से याद किए थे दरुसिलम वगैरह वो कौन से वाला ग्रुप का नाम था एसियान करेक्ट है ना वो आपके ग्रुप का नाम था एसियान यहां पर सार्क बोला तो ये तो समझो अपनी शार्क है तो सब आस पास के यहां पर लोग हैं ये भी क्लियर है डन है पक्का चले आगे ओके अब नेक्स्ट आपके यहां पर दिया गया है कि यहां पर जो इनके सेक्रेटरी जनरल बने थे इनका नाम है है ना वीरा खून इसला रूहान वीरा खून तो यहां पर इस शार्क में है ना वीरों का खून है और आपको ध्यान से रखना है कि इस शार्क में वीरों का खून है ओके डने का है ना गौरव को सब कुछ याद आ रहा है वेरी गुड चलिए शुक्रिया वैभव शर्मा है ना गौरव मैं आपको नोट्स भेजता हूँ आज है आपका नाम देख के याद आए चले तो यहाँ पर आपका हुआ ये शार्क अब नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है जी ट्वेंटी ये अपन नहीं पढ़ा था ना ओके चलो तो मैं आपको एक जबरदस्त तरीके से ये बीस नाम याद करवाता हूँ है जिन बच्चों ने पहले देख के रखा है उनको हो सकता है अभी भी याद हो अदरवाइज़ देखो मैं आपको इतना ब्रिलियंट तरीका बताने वाला हूँ कि आपको ये सारे के सारे बीस नाम याद हो जाएंगे तो G20 जो है अगेन एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है अगेन एक ग्रुप है एंड यहां पर आप ऐसा समझो कि दुनिया के जो मेजर मेजर कंट्रीज़ हैं जो सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर ये एक ग्रुप यहां पर बना के रखा है एंड इसका हमने नाम दिया है G20 तो एक G20 भी आता है एक G7 भी आता है पहले हम हम फोकस करें जी पर देखो अब इसमें नाम क्या क्या है तो मैं आपको एक बार ऐसी रीड करके बताता हूँ तो अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान कोरिया मैक्सिको रशिया सऊदी अरब साउथ अफ्रीका टर्की यूएस यूके एंड यूरोपियन यूनियन देन स्पेन को भी बुलाया जाता है एज अ परमानेंट गेस्ट तो ये नई लाइन ऐड की है पहले ये नहीं थी है ना ये पहले नहीं थी ये इस वाले मॉड्यूल में आपको नया नया मिलेगा ओके okay? चले तो अब जो है आपको यहाँ पर ये बीस नाम याद कैसे करने हैं तो सुनना ध्यान से आप चाहे तो पहले सुन लो या मेरे साथ साथ में लिखोगे तो भी चलेगा है लिख ही लेना साथ, साथ में तो मैं आपको एक बहुत है ना एक निमोनिक दे रहा हूँ जो थोड़ी लंबी सी कहानी है सुनो तो ये जो जी है ना जी है ना ये जो जी है ना जी अब जी में एक कन्या है जिसका नाम है टीना लिया ना एक कन्या है जिसका नाम है टीना लिया ओके अब ये टीना लिया क्या करती है ना ये जो टीना लिया है ये ना फ्रॉक पहन के ठीक है ये जो टीना लिया है टीना लिया जो है फ्रॉक पहन के झील किनारे टीना लिया जो है फ्रॉक पहन के झील किनारे यहाँ पर ना कांची कांची डांस करती है है ना फ्रॉक पहन के झील किनारे कांची कांची डांस करती है एंड बोलती है जरा मनी तो देना ठीक है इसको प्लीज़ लिखते हुए चलना या जो एकदम हलाल लोग हैं है ना जिनको नहीं लिखना होगा है ना तो वो जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट बाद में मिलता नहीं है है ना जब अपने को पढ़ना होता है तो स्क्रीनशॉट के अलावा जो जो चाहिए सब मिल जाता है स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है है ना पुरानी यादें भी आगे आ जाती है लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है है ना मस्तू बड़े दिनों के बाद देखा है ना मस्तू बहुत तरकीब लगाई तूने तो ने सी एस सी टी में देखा मैंने चलिए तो यहाँ पर कौन है टीना लिया फ्रॉक पहन के झील किनारे कांची कांची डांस करती है एंड क्या बोलती है जरा मनी तो देना ओके तो पहले मैं आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन आए हैं है ना जिस मैं ना मैं आपको जो यहाँ पर आइडिया देता हूँ कि इसमें कौन कौन आए हैं सुनने का ध्यान से तो टीना लिया मतलब कौन टीना बोले तो अर्जेंटीना लिया बोले तो ऑस्ट्रेलिया फ्रॉक बोले तो फ्रांस है ना झील बोले तो ब्राजील कांची कांची मतलब कैनेडा चाइना है ना कांची बोले तो कान बोले तो कैनेडा एंड ची बोले तो चाइना ठीक है एंड ये बोलती है जरा मनी तो देना जरा मनी बोले तो जर्मनी है ना जरा मनी बोले तो जर्मनी ठीक है तो ये तो इतनी कहानी होगी ये कुछ नाम आ गए अभी कहानी और लंबी है थोड़ी सी है ना तो जरा मनी तो देना अब इसमें वहाँ पर दो लोग बैठे थे है ना वहाँ पर जो है दो लोग पान खा खा के इनका डांस देख रहे थे है ना वहां पर दो लोग बैठे थे एंड ये वहां पर पान खा खा के जो है है ना इनका जो है ये डांस देख रहे थे ठीक है और एक ने क्या किया एक ने वहाँ पर है ना ईटा फेंका मतलब ब्रिक और एक ने मैक्सिकन सैंडविच फेंका तो ये दो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे है ना दो लोग बैठ के उसका जो है टीना लिया का डांस देख रहे थे तो है ना ये दोनों पान खाते खाते बढ़िया डांस देख रहे थे एक ने उसमें से ईटा फेंका मतलब ब्रिक फेंका एंड दूसरे ने यहाँ पर मैक्सिकन सैंडविच फेंका तो जैसे ही इन दो लोगों ने यहाँ पर एक ने ब्रिक फेंका एक ने मैक्सिकन सैंडविच फेंका तो इसकी तीन सहेलियाँ है जैसे जैसी ऐसा घटना हुई तो इसकी तीन सहेलियाँ थी है ना जिनका नाम था रिया अरेबिया एंड रशिया तो यहाँ पर ये टीना ले लिया कि जो यहाँ पर तीन कन्याएँ थी है ना रिया अरेबिया एंड रशिया ये तीनों कन्याएं साउथ से टल टर करके आई है ना ये तीनों कन्याएं है जो हैं ये साउथ से टल टर करके आई एंड साथ में ये लेके आई है ना किंग को भी लेके आई है ये साउथ से टर्टर करके आई एंड साथ में किंग को लेके आई एंड दो लोग और लेके आई तो एक था इसमें यूएस एंड दूसरा था यूरोपियन यूनियन तो दो लोग और साथ में लेके आई तो एक आपका जो है यूएस एंड दूसरा यूरोपियन यूनियन साक्षी थोपाटे या थोपटे हाय थोपाटे होता है क्या अच्छा थोपाटे चलो ठीक है तो यहाँ पर देखो आपके ना मेरे ख्याल से बीस नाम सारे के सारे हो गए एक बार चेक कर लेते हैं ये लिखा कि आपने लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइएगा और एक बार लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइएगा अमिता गुप्ता ये तो अभी मैं मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ आपको है ये तो मैं आपको अभी मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ चलिए सभी ने लिखा क्या है ना ओके तो यहाँ पर देखो वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं सुना ध्यान से पहले आपने बोला था कन्या का नाम था टीना लिया टीना बोले तो अर्जेंटीना लिया बोले तो ऑस्ट्रेलिया ये फ्रॉक पहन के है ना फ्रॉक पहन के जो है झील किनारे कांची कांची डांस कर रहे थे यस गौरव भाई है ना फ्रॉक बोले तो आपका ये फ्रांस करेक्ट तो फ्रॉक पहन के झील किनारे झील बोले तो आपका ब्राजील कांची कांची बोले तो कनाडा एंड चाइना ठीक है एंड ये बोल रहे थे जरा मनी तो देना तो ये बोले थे जरा मनी तो देना तो यहां पर नाम था आपका जर्मनी परफेक्ट अब इसका डांस देखने के लिए दो लोग बैठे हुए थे है ना दो लोग में एक आपका आता है इंडिया और एक आपका आता है इंडोनेशिया तो यहां पर दो लोग कौन बैठे हुए थे तो एक आपका था इंडिया एंड दूसरा आपका इंडोनेशिया तो ये दो लोग बैठकर जो है पान खा रहे थे पहले तो है ना पान मतलब हो गया जापान ठीक है तो एक ने ईटा फेंका और एक ने मैक्सिकन सैंडविच फेंका ईटा फेंका मतलब ये इटली हो गया एंड मैक्सिकन सैंडविच मतलब ये मैक्सिको हो गया करेक्ट है देन यहाँ पर इसकी तीन सहेलियाँ थी है ना रिया अरेबिया एंड रशिया तो रिया मतलब ये कोरिया था ये सऊदी अरब एंड ये रशिया ठीक है इसकी तीन सहेलियाँ थी जो इसको देख देख के दौड़ दौड़ के आई एक का नाम था रिया ठीक है तो ये आपका थर्टीन वाला नाम है है ना कोरिया देन आपका अरेबिया एंड आपका रशिया करेक्ट एंड ये साउथ से आए और टर टर करके आए साउथ से आया बोले तो है ना साउथ अफ्रीका साउथ से आया बोले तो साउथ अफ्रीका एंड टर् टर बोले तो टर्की करेक्ट एंड साथ में किंग को भी लेके आए किंग बोले तो यूनाइटेड किंगडम किंग बोले तो यूनाइटेड किंगडम एंड इनके साथ दो लोग और आए एक यूएस एंड एक आपका यूरोपियन यूनियन एंड एक और अपना यहां पर परमानेंट गेस्ट है वो है स्पेन ठीक है एक अपना यहां पर परमानेंट गेस्ट है वो है आपका स्पेन तो बताइए सारे के सारे बीस नाम याद हो गए क्या पक्का ठीक है तो जब भी आप किसी भी प्रकार की थ्योरी अगर पढ़ते हैं है ना अगर आप किसी भी प्रकार की थ्योरी पढ़ते हैं एंड तो क्या होता है कि कई बार थ्योरी में अपने को बहुत सारे पॉइंट याद रखने पढ़ते हैं, हैं हेडिंग्स याद रखनी पड़ती है तो हेडिंग्स ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको निमोनिक या स्टोरी बनानी पड़ती है तो आपको वो ज्यादा लंबे वक्त तक याद रहेगा तो अगर G20 में आपको क्वेश्चन आया है ना कंट्रीज को लेकर कि भाई हो सकता है आपको पूछे कि विच इज नॉट अ कंट्री अमंग G20 ट्वेंटी नेशन तो उसमें हो सकता है पाकिस्तान का नाम डाल दे अफगानिस्तान का नाम डाल दे नेपाल डाल दे भूटान डाल दे वगैरह वगैरह तो ये सारी चीजें यहां पर नहीं है क्लियर है डन है ओके चलिए तो फिर आपको ये सारे के सारे नाम याद हो गए है ना चलिए अब यहां पर तो आपने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ इनके नाम अब देखो इसमें मेन मेन चीजें और क्या क्या है तो मैं आपको हाईलाइट करवाते हुए चलता हूं सुना ध्यान से तो यहां पर यह बोल रहे हैं कि अगर इन जी ट्वेंटी नेशंस को साथ में देखा जाए तो वर्ल्ड के जीडीपी का 80 परसेंट इनके पास है है ना इवन मोर देन 80 परसेंट इनके पास है ठीक है क्या है ना तो इन्होंने यहाँ पर क्या आपको क्या बोल के रखा है कि वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसमें से मोर देन 80 परसेंट इनके पास है करेक्ट देन आपके इंटरनेशनल ट्रेड का 75 परसेंट के पास है एंड वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 60 परसेंट के पास है क्या हो गया आदित्य पाराशर आप एग्जीक्यूटिव से हो ना पढ़ाई करो ना एग्जीक्यूटिव की है ना लेक्चर है आपके ये एग्जीक्यूटिव वाले यहाँ पर क्या करते हैं समझ नहीं आता मेरे को है ना जून में एग्जाम है आपके हो सकता है तीन चार बार पढ़ाई हो गई हो तो एंटरटेनमेंट करते आते होंगे तो बात अलग है है ना चलिए तो यहाँ पर क्या बोल के रखा है आपका कि वर्ल्ड के जीडीपी का मोर देन एट्टी परसेंट यहाँ पर है मतलब इन ट्वेंटी नेशंस में इंटरनेशनल ट्रेड का अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर है देन आपका यहां पर वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिक्सटी परसेंट इनके पास है क्लियर डन है ओके okay. अब नेक्स्ट आप यहां पर बोल के रखा है कि स्टार्टिंग इन नाइनटीन एज अ मीटिंग फॉर दी फाइनेंस मिनिस्टर्स तो यहां पर इन्होंने यह शुरुआत की थी नाइनटीन में तो पहले सिर्फ और सिर्फ है पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हुआ करती थी देन धीरे धीरे जो आप, आपके नेशन के हेड्स हैं मतलब जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह फिर उन्होंने इस मीटिंग में जाना चालू किया ओके तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था बाकी ट्वेंटी नाम आपको यहाँ पर होपफुली ध्यान हो गए होंगे देन आप देखो कि नेक्स्ट आपको दिया गया है कि हाउ जी ट्वेंटी वर्क्स है ना ये थोड़ा काम का है नेक्स्ट आपको दिया गया है जी ट्वेंटी हाउ इट वर्क्स है ना पक्षी विश्वास एक बार मैसेज कर देना पक्षी है ना मैं देख लूँगा चलिए तो यहां पर आपको दिया गया कि हाउ जी ट्वेंटी वर्क्स तो इन्होंने बोला है कि हर साल इस ग्रुप का प्रेसिडेंसी जो है वो बदलती है एंड अपन इसको बोलते हैं थ्रोईका यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है वो है थ्रोईका त्रोईका का मतलब क्या थ्रोईका का मतलब है कि करेंट ईयर में कौन प्रेसिडेंट है इसके पिछले साल में कौन था एंड इसके नेक्स्ट ईयर में कौन रहेगा इन तीन कंट्रीज को जब साथ में रखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोईका ठीक है तो यहां पर हर साल प्रेसिडेंट बदलता है एंड प्रेसिडेंट होता है दिसंबर से लेकर नवंबर तक मतलब समझो दिसंबर 21 से लेकर नवंबर 2022 तक एक प्रेसिडेंट रहेगा फिर कंट्री बदल जाएगी फिर दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2021 तक यहां पर दूसरी कंट्री रहेगी तो इस टाइप से यहाँ पर शफल होता है ठीक है एंड जब आप इन तीन कंट्रीज को एक साथ रखते हैं कौन कौन सी जो करेंट ईयर वाली है जो पिछले साल प्रेसिडेंट थी एंड जो आने वाले साल में प्रेसिडेंट रहेगी इन तीनों को मिलाकर जो वर्ड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इज योर कॉल्डिका जैसे इन्होंने क्या बोलकर रखा है कि करेंटली थ्रोका में कौन कौन है तो इटली इंडोनेशिया एंड इंडिया मतलब जो करेंट प्रेसिडेंट है वो है इंडोनेशिया पिछले साल में इटली था अगले साल में इंडिया रहेगा ठीक है तो इसका मतलब इटली 2021 में आ गया 2021 का प्रेसिडेंट इटली था 2022 में करंट ईयर में इंडोनेशिया अगले साल में आपका इंडिया मतलब 2023 में इनका प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया क्लियर है तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पास्ट करंट करेंट एंड आपका अपकमिंग मतलब नेक्स्ट ईयर तो यहां पर आपको हाउ जी ट्वेंटी वर्ग में तो बदलता है, एक ध्यान रखना है एंड यहां पर एक है आपका ओरिजिन ऑफ दी मिनिस्टर वगैरह ने मुलाकात की थी ठीक थी? है इसमें आपको ध्यान रखने लायक क्या है ना इसमें आपको ध्यान रखने लायक क्या है तो इसमें आपको एक चीज़ शायद पता होगी कि 2008 में है ना 2008 में लीडर्स ऑफ द जी ट्वेंटी गैदर्ड फॉर द फर्स्ट जी ट्वेंटी समिट है ना 2008 में इनके लीडर्स से मुलाकात की थी 2008 में ना एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था जैसे अपना शेयर मार्केट अभी बहुत गिर रहा है शायद आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो दो में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा था क्योंकि एक लेहमेन ब्रदर्स करके थे यूएस में है ना एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लेमन ब्रदर्स तो वो ना डूब गया था तो उन्होंने अचानक से अनाउंसमेंट दिया था कि भाई हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हम इंसॉलवेंट हो गए एंड उस कारण से बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर मार्केट डूबा था गिरा था एंड तब इन्होंने फिर इसको जो है है ना हर साल इन्होंने मीटिंग अपनी जो है डिसाइड की कि हम हर साल मीटिंग रखेंगे ताकि ऐसे कोई जो फंडे हैं ये बार 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 ना हो ठीक है तो एक तो आपको शेयर मार्केट गिरा था वैसे दो में बहुत ज़ोर से एंड अभी लेटेस्ट वाला कब गिरा था 2020 में जब कोविड आया था ना है ना कोविड के टाइम पर बहुत जबरदस्त तरीके से आपका जो शेयर मार्केट गिरा था तो इसमें याद रखने लायक तो इतना ही है है ना ओरिजिन में एक तो 1999 में इनकी जो है पहली मीटिंग हुई थी क्योंकि एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था एंड उसके अलावा 2008 में इनकी एक मीटिंग हुई थी ये भी क्लियर है है ना चलिए देन नेक्स्ट इनकी जो थीम वगैरह रहती है ना ये थीम इंपॉर्टेंट रहती है पिछले साल लीडर कौन था इनका प्रेसिडेंट कौन था कौन सी वाली कंट्री पिछले साल इटली करंट ईयर में इंडोनेशिया एंड अगले साल में इंडिया रहेगा ओके तो यहां पर जो ये समिट वगैरह होता है ना समिट ये आपके इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ पर जो ग्रुप वगैरह 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 है ना ये विल टेक प्लेस इन अक्टूबर दो इन बाली इंडोनेशिया तो ये जो जी ट्वेंटी होने वाली है वो होने वाली है आपकी इंडोनेशिया में बाली में इंड होने वाली है अक्टूबर दो में ओके देन तो यहां पर आपको बोला है कि इनकी जो थीम है इस साल की वह है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉगर इनकी जो यहां पर थीम है वो है रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉगर ओके डन है हाना? चले, तो यहां पर ये यह बोल रहे हैं कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी जो है ये फोकस करने वाली है तीन चीजों पर एक ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर देन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर जुलाई में रजिस्ट्रेशन करवाती हूं तो एग्जाम कब होगी फाउंडेशन की मतलब सी की नवंबर में सानिया जी अगर आप 15 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको एग्जाम देने मिलेगा नवंबर में ठीक है बट इतना लोड मत लो यार सी एस हो जाता है पोस्टपोन मत करो अगर पॉसिबल है तो देना चाहिए चलिए तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखे रखा है कि जी में दो में है ना ये अभी जो इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है एंड कहाँ पर मीटिंग होने वाली है हा न बाली में होने वाली है अक्टूबर 2022 में एंड इनका यहाँ पर थीम क्या है रिकवर टुगेदर तो रिकवर स्ट्रांगर करेक्ट है एंड यहाँ पर ये यह तीन मेन पिलर्स पर फोकस करें एक आपका हेल्थ का आर्किटेक्चर हेल्थ आर्किटेक्चर बोलते जैसे देखो इस बार अपने पास जब कोविड हुआ था है ना तो बहुत समस्याएं गई थी लोगों के पास हॉस्पिटल्स नहीं थे बेड नहीं थे वगैरह वगैरह तो ये हेल्थ फैसिलिटीज़ अपने पास होनी चाहिए देन एनर्जी ट्रांजिशन तो इसके ऊपर तो पूरी दुनिया काम कर रही है हम धीरे धीरे पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह बंद करके सोलर एनर्जी है ना थर्मल एनर्जी बायो एनर्जी है ना ग्रीन पावर इन सब पर शिफ्ट हो रहे हैं एंड थर्ड वाला यहाँ पर हम फोकस करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी ना हॉली हॉली करके सब डिजिटल में शिफ्ट होने वाली है करेक्ट है क्लियर है ना चलिए तो इसमें आपके ये तीन पिलर यहां पर जो है ये काम के हैं तो इतना आपको दिया गया है जी ट्वेंटी के बारे में ओके इतना आपको दिया गया जी ट्वेंटी के बारे में लेकिन कुछ पेजेस बाद ना वापस से इन्होंने जी ट्वेंटी के बारे में बताया एक ही मिनट में देख लेता हूं तो जी ट्वेंटी वाला जो भी मुद्दा होगा अपन एक साथ उसको कंप्लीट अप कर लेंगे जस्ट ए मिनट आई के बारे वगैरह में भी आपको दिया गया है और उस पर भी क्वेश्चन आते हैं देन जी सेवन है आपको वापस से फिर जी ट्वेंटी भी कहीं तो मिलेगा यस पेज नंबर ट्वेंटी सेवन अगर आप मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हैं ना अगर आप मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हैं तो आपको वापस से यहाँ पर जो है जी ट्वेंटी के बारे में दो तीन पेजेस हैं ठीक है ज़्यादा ही पेजेस हैं एक्चुअली तो इसको जो है हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं तो जी ट्वेंटी अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना कवर हो पाए उतना ठीक बाकी अपन जो है इसको फिर बचा हुआ कल करेंगे देखिए तो मैं मॉड्यूल में आता हूं मॉड्यूल में आता हूं एंड पेज नंबर है आपका 27 आपको जो नया वाला मॉड्यूल है ना है ना अगर आपका नया वाला मॉड्यूल है ना उसमें आपको आना है पेज नंबर 27 पर एंड आपको वापस से यहां पर जी ट्वेंटी समििट के बारे में दिया गया तो इन्होंने जो है बायफर क्रिएट करके रखा है आइडियली एक साथ लिखना चाहिए था हा ना आइडियली एक साथ लिखना चाहिए था चलिए देखिए हाँ जी सानिया नौशाद अभी करवा सकते हो ना पंद्रह जून तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो यहां पर आपको दिया गया है अगेन अबाउट जी ट्वेंटी समिट तो जो जो चीज़ें यहां पर रिपीटेड है मैं तो आपको बता देता हूं जैसे यहां पर ग्लोबल को इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा तो उसमें उन्नीस कंट्रीज हैं एंड एक आपका यूरोपियन यूनियन है तो ये सारे के सारे नाम आपके जो है वो रिपीटेड हैं ओके ये आपका पर रिपीटेड पैरा है तो इसको आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा ओके यहां पर आपको सिर्फ नाम दिए गए देन नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जी ट्वेंटी समिट को फॉर्मली क्या बोला जाता है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी तो यहां पर आपको ऐसा आ सकता है कि विच इज कॉल्ड एज दी फाइनेंशियल समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी तो जी ट्वेंटी की जी सेवन की सार्क की एसियन तो इस टाइप का एमसी को बन सकता है ओके तो यहां पर समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी जो हम बोलते हैं किसको बोलते हैं तो जी ट्वेंटी को बोलते हैं करेक्ट है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन सो दिस इज ऑल्सो अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक cooperation, ठीक है देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ रिपीटेड है ना ग्लोबल जीडीपी का 80% परसेंट वगैरह इनके पास है ठीक है देन 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 यहाँ पर इस पैरा में कुछ काम करनी है इसमें इतना ही काम का है ठीक है देन जो होस्ट कंट्री होती है ना ये वन ईयर के लिए होस्ट करती है फ्रॉम डिसंबर थ्रू फॉलोइंग नवम्बर तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि इनके जो है ना इनके जो यहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं वो दिसंबर से लेकर नवंबर तक बनेंगे देन हिस्ट्री ऑफ जी ट्वेंटी समिट तो ये तो रिपीटेड ही दिख रहा है ये सारा का सारा जो है आपका रिपीटेड है अभी आपने ऊपर जो पढ़ाना हिस्ट्री तो ये रिपीटेड है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो हिस्ट्री ऑफ जी ट्वेंटी समिट जो है ये पूरा का पूरा रिपीटेड है और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेमेन ब्रदर्स वगैरह का जो यहाँ पर कोलेप्स हो गया था तो इस कारण इन्होंने मीटिंग फिर जो है स्टार्ट की थी ओके देन जी ट्वेंटी समिट दो तो ये आपका होने वाला है नवम्बर दो हजार में बाली में तो ये भी आपने पढ़ा था ऑलरेडी करेक्ट तो ये भी आपका जो है रिपीटेड है कि करेंट ईयर में कहा होने वाला है देन नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है प्रायोरिटी इश्यूज तो यहां पर उन्होंने बोला है कि भाई तीन चीज़ें ये तो रिपीटेड है हैं प्रायोरिटी इश्यूज में अगर आप देखोगे तो इसमें पढ़ने लायक क्या है मतलब पेंडेमिक के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बोल के रखी है ठीक है थ्री मेन पिलर्स के बारे में बोल के रखा है जो अगेन रिपीटेड है और आपको नीचे भी दिया गया है देन इसमें कुछ पूछने लायक नहीं है यहाँ पर सारे के सारे जनरल पॉइंट्स हैं ठीक है यहाँ पर सारे के सारे जनरल पॉइंट्स हैं तो इसमें आपको कुछ पूछने लायक नहीं है ठीक है आप चाहे तो इसको रीड ओनली कर सकते हो लेकिन इस पर एम नहीं बनेगा ओके देन है ना खुशी मिलती होगी ना ये भी नहीं पढ़ना ये भी नहीं पढ़ना है तो है ना चलिए अब नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया है हाउ दी जी ट्वेंटी वर्क्स तो सेम थ्रोई का है ना ये भी रिपीटेड है देन है ना करवाने वाला है क्या फिर इसमें तो इसमें भी कुछ करने लायक नहीं है है ना हाउ जी ट्वेंटी वर्क जो है ये भी आपका रिपीटेड ही मुद्दा है तो इस पर भी एमसीक्यू बनने लायक कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वर्ड नहीं है देन नेक्स्ट आपको बोल के रखा है यहां पर जी ट्वेंटी इन न्यूज़ ठीक है नेक्स्ट आपको यहां पर बोल के रखा है जी ट्वेंटी वगैरह इन न्यूज़ ठीक है देखो तो होप यहां पर आपको कुछ कंटेंट मिले पढ़ने लायक देखते हैं तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर सेटिंग अप करवाया था यहां पर जी ट्वेंटी के सेक्रेटेरिएट का तो हमारे यहां अगले साल जी ट्वेंटी जो है हम होस्ट करने वाले हैं ना तो उसका जो है अभी से हमने तैयारियां स्टार्ट किए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव दिया था कि आप यहाँ पर जी ट्वेंटी सेक्रेटेरिएट यहाँ पर जो है आप सेटअप करें जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरऑल पॉलिसी डिसीजनस एंड अरेंजमेंट्स नीडेड जो रहेगी आपकी जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के लिए तो आने वाली जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए यहाँ पर तैयारियां करने के लिए हमने एक जी ट्वेंटी सेक्रटेट यहाँ पर सेटअप करवाया है ओके देन यहाँ पर आपको बोला है कि इंडिया जो यहाँ पर होल्ड करेगा वो कब से लेकर कब तक करेगा तो एक दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक ओके okay? परफेक्ट है क्या है ना तो यहां पर दिसंबर से लेकर आपका नवंबर तक इंडिया यहां पर जो है प्रेसिडेंट रहेगा डन देन 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 ये जो तो सेक्रेटरी रहेगा ना दिस विल बी फंक्शनल टेन टिल फेब्रवरी 2024। मतलब जी ट्वेंटी तो अपना हम 2023 में अपनी प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी नवंबर तक लेकिन एक बार प्रेसिडेंसी हट गई तो उसके बाद जो भी आपके पॉलिसी डिसीजन रहेंगे या जो भी अरेंजमेंट्स करना होगा उसके लिए सेक्रेटेरिएट मतलब ये जो आपकी कमेटी है ये कंटिन्यू करेगी कब तक फरवरी 2024 तक क्लियर डनेगा समझ आया कि नहीं बताइए है ना ओके एंड इस सेक्रेटेरिएट में कौन कौन रहेगा सो दिस विल बी गाइडेड बाय एन अपेक्स कमेटी इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें है ना दिस विल बी हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी विथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन होम मिनिस्टर अमित शाह एक्सटर्नल अफेयर्स आपके एस जयशंकर एंड आपके जो है श्री पीयूष गोयल तो ये सारे के सारे मिलके जो है यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं कि जी ट्वेंटी के लिए कैसे हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट करें परफेक्ट है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये तो आपको पता ही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन तो निर्मला सीतारमन दो चीज़ें संभालती हैं वैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालती हैं एंड दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर संभालती हैं करेक्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस मतलब ये टैक्स वगैरह के हे, हे, यहाँ पर जो मुद्दे देखते हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब जो आप कंपनी लॉ वगैरह पढ़ते हो ना, वो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है ठीक है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपका कंपनी लॉ वगैरह संभाला जाता है देन पीयूष गोयल जो हैं आपके है ना पीयूष गोयल दो तीन मिनिस्ट्री संभालते हैं ठीक है तो ये आपका जो है कॉमर्स संभालते हैं ठीक है फिर टेक्सटाइल संभालते हैं देन आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन संभालते हैं तो ये दो तो तीन चीज़ें आपके पीयूष गोयल संभालते हैं तो ये मैं आपको मिनिस्ट्रीज़ के साथ करवाऊंगा एंड हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है श्री अमित शाह करेक्ट है तो ये सब लोग जो है यहाँ पर जी ट्वेंटी को कैसे अपन करने वाले अरेंजमेंट तो ये सारे लोग मिलकर आपको बताएंगे ये भी क्लियर है यहां तक समझ आए कि नहीं बताइए है ना ओके देन यहाँ पर भी अगेन आपको रिपीटेड ही दिखेगा तो यहाँ पर अगेन थ्रोईका की बात हुई है एंड देन आपकी थीम जो था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर वगैरह 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 तो ये भी आपका यहाँ पर है रिपीटेड ठीक है ये भी आपका मुद्दा जो है यहाँ पर रिपीटेड है ठीक है देन इंडिया रशिया समिट जो है इसमें कुछ कुछ जो रहेगा मैं आपको तो नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा है ना मतलब कल तो आज का जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आएगा है ना तो हमने जो आज मेनली पढ़ा है वो आपने है ना यस जो हमने पढ़ा है वो जी ट्वेंटी के बारे में पढ़ाया जी ट्वेंटी के हमने बीस नेशंस वगैरह के बारे में याद किया ठीक है थ्रोईका वगैरह हमने देखा प्रेसिडेंसी के बारे में देखा कब से लेकर कब तक होगा वो देखा इसकी थीम वगैरह हमने देखी तो बाकी अपन करेंगे कंटिन्यू कल तो कल जब मैं आऊंगा तो पहले मैं आपको ये सार रिकॉल करवाऊंगा एंड फिर मैं आपको जी ट्वेंटी जी सेवन जो भी पहले इंटरनेशनल वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन थे उसको अपन कंप्लीट करेंगे ठीक है चले तो अभी के लिए रुकते हैं गाइस बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मुलाकात करेंगे कल शाम को चलिए बाय थैंक यू सो मच